वेलकम बैक टू विस्तृति एजुकेशन। आज का जो हमारा सेशन है वह शिक्षण उद्देश्यों के वर्गीकरण यानी कि शैक्षिक उद्देश्य से संबंधित आपके एग्जाम में टीचिंग मेथड में एक नंबर का क्वेश्चन देखने को मिलता है, क्लासिफिकेशन ऑफ टीचिंग ऑब्जेक्ट्स। इसमें हम ब्लूम के जो शिक्षण उद्देश्य दिए थे उसका पूरा डिस्कस करेंगे। शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के शिक्षण उद्देश्य का वर्गीकरण। हम बात करें शिक्षण उद्देश्य के वर्गीकरण के बारे में, तो शिक्षण उद्देश्य का वर्गीकरण यानी कि जो उद्देश्य है, यदि आपने बीएड या फिर डीएलएड या फिर एसटीसी जो भी की होगी उसमें आपने लेसन जरूर बनाए होंगे, और लेसन में सबसे पहला जो पॉइंट होता है हर्बर्ट की पंचपदी वाला भी मैंने वीडियो बना रखा है, उसको भी आप जाके उसे कंप्लीट देख ले। उसमें जो उद्देश्य होता है सबसे पहला जो पॉइंट होता है कि किस उद्देश्य से आपने उस पाठ योजना का निर्माण किया है, क्या उद्देश्य रहकर, जिससे कि उद्देश्य कितने प्रकार के होते हैं, तो दो प्रकार के होते हैं। किस उद्देश्य से आपने वो पाठ का आयोजन या फिर आप उस पाठ को पढ़ाना चाहते हैं, तो एक तो होता है सामान्य उद्देश्य। सामान्य उद्देश्य से तात्पर्य यह है जो पाठ योजना आपने बनाई है जिस उद्देश्य से, उस विषय से संबंधित यदि वो कोई ज्ञान आप उसको दे रहे, तो वो क्या हो गया उसका जनरल ऑब्जेक्ट्स हो गए यानी कि सामान्य उद्देश्य हो गए। लेकिन उसके साथ साथ यदि बच्चे में आपने ज्ञानात्मक अवबोध क्रियात्मक सृजन ये चीज़ें भी उसके साथ साथ चलती है, तो एक विशिष्ट उद्देश्य नाम से भी उसका जो डिफाइन करते हैं हम उसको, ज्ञानात्मक अवबोधात्मक क्रियात्मक सृजनात्मक। केवल वो विषय का ही ज्ञान नहीं लेगा, वो उसे मेंटल समझेगा, उसको पूरा व्यवस्थित मानसिक रूप से उसमें समझ आधारित विकास होगा, क्रियात्मक एप्लीकेशन यानी उसके अनुप्रयोग भी करेगा अपने दैनिक जीवन में, और कोई न कोई सृजन भी जरूर करेगा। यानी कि जो आपने पढ़ाया है उसका उद्देश्य दो प्रकार से होते हैं कुल मिला के। एक सामान्य का संबंध होता है सीधा उस विषय या फिर जैसे आपने महाराणा प्रताप के पाठ को पढ़ाया है कक्षा में, महाराणा प्रताप का पाठ पढ़ाया है तो महाराणा प्रताप के बारे में वो सामान्य जो पाठ में प्रश्न उत्तर हो गए आपके एग्जाम में आएंगे वो हो गया उस विषय से संबंधित। जबकि उद्देश्य क्या हो जाएगा उसमें, विशिष्ट उद्देश्य में क्या होगा, विशिष्ट उद्देश्य में उस महाराणा प्रताप के बारे में उनकी जो जीवनी है, उनके जो प्रेरक है, उनसे सीखने योग्य जो चरित्र निर्माण हो गया, इस प्रकार की जो उद्देश्य भी उसके साथ इंक्लूड होते हैं वो कहलाते हैं विशिष्ट उद्देश्य। बात करें हम आगे उद्देश्य के बारे में जो माना जाता है वर्तमान तक ब्लूम नाम की जो टैक्सोनॉमी है वर्तमान में भी उद्देश्यों के लिए सर्वश्रेष्ठ और सर्वप्रथम मानी जाती है। कोई टीचिंग का कोई ऐसा एग्जाम नहीं है जहाँ पर ब्लूम से संबंधित प्रश्न नहीं बना हो, तो निश्चित तौर पर आप मान के चलिए एग्जाम में ब्लूम से आपके क्वेश्चन जरूर आएगा। पुराने जो भी पेपर है आप उनको उठा के देख लीजिए, उसके अकॉर्डिंग आप अपनी तैयारी को आगे बढ़ाएं। कहाँ से प्रश्न बन रहा है, तो सबसे पहले हम बात करें ब्लूम की, तो आज का जो हमारा सेशन में हम ब्लूम के जो 1956 में जो मॉडल दिया उसके बाद उन्होंने संशोधित कौन सा मॉडल दिया उसके बारे में भी हम विस्तृत चर्चा करेंगे। बात करें शैक्षिक उद्देश्य को ब्लूम ने 3 क्षेत्रों में विभाजित किया करके उपवर्ग की व्याख्या की। उन्होंने क्या किया, जो उन्होंने एक मॉडल प्रस्तुत किया उसने 3 उद्देश्य को माना था। सबसे पहला संबंध था संज्ञान यानी जिसका संबंध किससे है, हमारे मस्तिष्क से। दूसरा क्रियात्मक और तीसरा है क्रियात्मक। संज्ञान का संबंध हमारे मस्तिष्क से है, भावात्मक का संबंध हमारे हृदय पक्ष से है यानी कि हार्ट, और क्रियात्मक का संबंध हमारे हाथ की जो क्रिया है, कोई भी चीज अपन करके कोई भी चीज कर रहे हैं, उन तीनों का जो समावेश है उनको ही ब्लूम ने एक टैक्सोनॉमी के रूप में सबके सामने प्रस्तुत किया, जो कि 1956 में इस टैक्सोनॉमी को दिया था सर्वप्रथम। उसके बाद इन्होंने संशोधित रूप 2000 में भी दिया था, आगे उसको हम डिस्कस करेंगे। यहाँ पर जो इस स्लाइड में हमारे लिए जानने योग्य क्वेश्चन है, मनोविज्ञान के एक समूह ने 1948 में मानव व्यवहार के समान तत्वों के वर्गीकरण हेतु प्रयास किए। थोड़े से अनुसंधान के पश्चात इस समूह ने उद्देश्य को 3 वर्गों में बांटा। आपको पूछा जाए ब्लूम ने जो टैक्सोनॉमी दी है उसका जो मुख्य उद्देश्य, मेन जो मोटिव सिद्धांत था वो क्या था, उन उद्देश्यों को डिफाइन करना, क्या था, उद्देश्यों को डिफाइन करना था। और इन उद्देश्यों को इन्होंने कितने भागों में बांटा प्रश्न आ जाए तो 3 भागों में बांटा था। कौन कौन से, ज्ञानात्मक प्रश्न, भावात्मक और मनोगत्यात्मक, साइको कॉन्गेटिव अफेक्टिव साइकोमोटर, और इसका एक और नाम अपन दे सकते हैं यहाँ पर क्रियात्मक। प्रश्न में कोई भी किसी भी प्रकार की लैंग्वेज को यूज करके आपसे पूछा जा सकता है। ज्ञानात्मक पक्ष को ब्लूम ने 1956 में, यानी ज्ञानात्मक जो ब्लूम ने अपना सर्वाधिक कार्य किया था वो किया था अपने ज्ञानात्मक उद्देश्य के ऊपर। किस पर किया था, ज्ञानात्मक उद्देश्य पर, यानी कि आपको ब्लूम में
सर ये डीपली प्रश्न बनेगा, तो ज्ञानात्मक उद्देश्यों को कितने भागों में बांटा है उनको अरेंज करने के लिए भी पूछ सकता है, किसने इसने संशोधित रूप में ऊपर नीचे किया, अवरोह अवरोह में, वो भी आपका क्वेश्चन बन सकता है। संभावना सबसे ज्यादा क्वेश्चन बनने की यहाँ से है, संज्ञानात्मक पक्ष से जो कि ब्लूम ने दिया था। भावात्मक पक्ष में ब्लूम, कर्थबोल और मसिया ने, और 1964 में मनोगतनात्मक पक्ष को सिंपस ने 1963 में वर्गीकरण में प्रस्तुत किया। यहाँ से आपका क्वेश्चन बनने वाला नहीं है। आपका मूल रूप से इस स्लाइड में आपको ध्यान में रखना है ब्लूम ने कितने भागों में बांटा, तो तीन भागों में बांटा, ज्ञानात्मक, भावात्मक और मनोगत्यात्मक, और 1956 में इन्होंने मॉडल दिया। ये बात आपको इस स्लाइड में आपको ध्यान में रखनी है। बात करें हम आगे की, सबसे पहले कौन कौन से पक्ष मैंने वहां पर डिफाइन किया था आपको, सबसे पहला संज्ञानात्मक, दूसरा है अफेक्टिव यानी भावात्मक। आपको इसकी इंग्लिश टर्म में भी आपको ध्यान में रखनी है क्योंकि एग्जामिनर आपको घुमा सकता है। साइकोमोटर मतलब मनोगत्यात्मक, और इसी को अपन कह सकते हैं क्रियात्मक। संज्ञानात्मक का संबंध किससे होगा आपके, मस्तिष्क के होगा। भावात्मक का संबंध किससे होगा आपका, हृदय पक्ष से होगा यानी कि अपने हार्ट से होगा। और मनोगत्यात्मक का संबंध आपके हाथ यानी कि हैंड, हैंड से जो भी आप क्रिया कर रहे हैं वो सारे इसमें इंक्लूड होंगे। अब हम आप डिस्कस करते हैं आगे। सबसे पहले शिकागो विश्वविद्यालय के अध्यक्ष बेंजामिन ब्लूम और उनकी टीम ने 1956 में बनाया था। सबसे पहले आपको ध्यान में रखना है संज्ञानात्मक का जो पक्ष है उसको कितने भागों में बांटा था, तो छह भागों में बांटा था। कितने भागों में बांटा था, और इनका जो क्रम था ऐसे था, नीचे से ऊपर यानी कि ऐसा। सबसे पहले इन्होंने जो बांटा, सबसे पहले उसको बोलते हैं ज्ञान, दूसरा अवबोध, तीसरा अनुप्रयोग, चौथा विश्लेषण, पांचवा संश्लेषण और अंतिम छठा मूल्यांकन। यहां से क्या प्रश्न बन सकता है आपका कि ब्लूम ने जो संज्ञानात्मक पक्ष है उसको कितने भागों में बांटा, तो सबसे पहला प्रश्न आपको छह चरणों में बांटा। कितने भागों में बांटा, छह चरणों में बांटा, 1956 में, बात कर रहे हैं 1956 की। और सबसे नीचे जो स्तर पे रखा था, सबसे नीचे स्तर पे रखा था ज्ञान को, फिर अवबोध, फिर अनुप्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण और मूल्यांकन। पूछ ले, ब्लूम ने 1956 में जो मॉडल बनाया था उसने सर्वाधिक ऊपर या टॉप पर किसको रखा था, तो मूल्यांकन को, निम्न पर किसको रखा था, ज्ञान को। वैसे आपको ये पूरा एज इट इज याद होना चाहिए कौन से नंबर पर कौन सा है। कॉन्सेप्ट वाला क्वेश्चन भी पूछ सकता है ज्ञान का संबंध, यानी कि अभी आपने को मैंने पूछा ब्लूम ने कितने ज्ञान से, इससे संबंधित किस प्रकार के प्रश्न बन सकते हैं देखते हैं अपन। जैसे पूछ लिया ज्ञान क्या है, मैं भी आपसे प्रश्न पूछू कि ब्लूम ने अपने इस टैक्सोनॉमी को कितने भागों में बांटा। मैंने आपको पहले बताया था तीन भागों में बांटा था, तो आपने क्या किया उसको याद किया, यानी कि याद कर आपके मस्तिष्क में रिकॉर्ड था उसको रिमेम्बर कर दिया। फिर मैंने बोला अवबोध, यानी कि आपने क्या समझा है भावात्मक पक्ष किससे संबंधित है, तो आप क्या बोलोगे अवबोध से संबंधित, ये किस प्रकार का हो गया, समझ आधारित। और अनुप्रयोग, मुझे आप इसका ब्लूम का जो है इसका पूरा वो बना के बताइए, मॉडल को नीचे से ऊपर तक किस प्रकार अरेंज करना है, ये आपका क्या होगा अनुप्रयोग हो गया। विश्लेषण, इन छहों में विश्लेषण करके बताइए किस पर कौन से चरण पर कौन सा है, पूरा विश्लेषण कीजिए। संश्लेषण, इन सबको एक साथ जोड़कर मुझे बताइए, ये हो गया अपना संश्लेषण। और निर्णय, यानी कि ब्लूम की जो टैक्सोनॉमी के जो उद्देश्य है उसका मुझे बताइए कि किस प्रकार इसका दैनिक जीवन में कैसे उपयोग है, शिक्षा के क्षेत्र में कैसे उपयोग है, ये हो गया अपना मूल्यांकन हो गया। अब बात करें ये जो मॉडल आपको दिख रहा है ये दिया था 2000 में। कब दिया था, 2000 में, इसको आगे हम पूरा डिस्कस करेंगे। इन्होंने क्या किया, ये क्या शब्द है, संज्ञा शब्द है, और संज्ञा शब्द को इन्होंने क्रिया में चेंज कर दिया। जैसे कि ज्ञान को याद, रिमेम्बरिंग, समझना, लागू करना, विश्लेषण, मूल्यांकन और सृजन। यहाँ पर आप एक चीज और बदलाव दिख रहा है, जो सृजन है, सृजन ही क्या कहलाता है, संश्लेषण, ये क्या है, सृजन ही है। इनको इन्होंने सृजन यानी कि सृजन को सबसे टॉप पर रख दिया, यानी कि कोई भी चीज आपको क्रिएट करनी है वो उसको टॉप पे रख दिया, और मूल्यांकन को आपस में चेंज कर दिया है। तो यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान रखना आपको, आगे की स्लाइड में इसको 2000 वाले संशोधन को भी विस्तृत देखेंगे। आगे देखते हैं हम, ये देखो ब्लूम की जो टैक्सोनॉमी है उसको कितने भागों में बांटा, ये हम बात कर रहे हैं 1956 में जो दी थी उसके अकॉर्डिंग, तो तीन पक्ष में बांटा था, ज्ञानात्मक, भावात्मक और मनोगत्यात्मक। इनका इंग्लिश टर्म में भी आपको ध्यान में रखना है, कॉग्निटिव, अफेक्टिव और साइकोमोटर डोमेन।
सबसे पहले ज्ञानात्मक पक्ष में सबसे नीचे स्तर पर क्या रखा, ज्ञान, बोध, प्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण और मूल्यांकन। आपको एज इट इज ये टेबल आप अपने जहाँ पर भी स्टडी कर रहे हैं वहां पर बनाकर इसको चिपका दीजिए, ताकि आपके दिमाग में रहे कौन सी स्थान पर है, या फिर आप एक बार इसे अपने हाथ से अपनी कॉपी में जरूर बना लें। स्क्रीन शॉट के चक्कर में न रहें, अपना पेन कॉपी अपने साथ रखें, इनको साथ साथ नोट भी करें। ज्ञानात्मक पक्ष में सबसे पहले ज्ञान, दूसरा बोध, प्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण और मूल्यांकन। और भावात्मक पक्ष में क्या हो जाएगा, अफेक्टिव में सबसे पहले कोई चीज आप क्या करोगे, ग्रहण करोगे, उसके बाद उसके प्रति अनुक्रिया करोगे, मूल्यों का स्थापन, फिर आप विचार प्रस्तुत करोगे, फिर व्यवस्था, फिर मूल्य समूह का विशिष्टीकरण हो जाएगा। तो भावात्मक शब्द में आपको याद रखना है, वैसे क्वेश्चन यहाँ से अगर और डीपली जाएगा तो यहाँ से, और इससे भी ज्यादा डीपली अगर प्रश्न बनाना है, टफ बनाना है, तो वो आगे से आगे उसमें अंदर जाएगा। तो आपको यहाँ से आपका प्रश्न गलत नहीं होना चाहिए, इस उद्देश्य से हम इस पूरे सेशन को देख रहे हैं। सबसे पहले भावात्मक पक्ष, इसमें कौन सा है, ग्रहण करना, अनुक्रिया करना, मूल स्थापन, विचारना, व्यवस्था और मूल्य समूह का विशिष्टीकरण। और मनोगत्यात्मक पक्ष से क्या हो गया, यानी कि आप कोई क्रिया कर रहे हो, यहाँ पर आप क्या कर रहे हो, कोई विचार बना रहे हो मुख्य रूप से, यहाँ पर आप क्या कर रहे हो, किसी मस्तिष्क से संबंधित आप उस चीज को रिमेम्बर कर रहे हो, समझ रहे हो, उसको प्रयोग में ला रहे हो, यानी यहाँ पर आप अपने मस्तिष्क का उपयोग कर रहे हो, यहाँ पर आपके हृदय पक्ष का उपयोग कर रहे हो, यहाँ पर आप अपने हाथ पैर यानी कि क्रियात्मक रूप से कार्य कर रहे हो। सबसे पहले उद्दीपन, यानी किसी चीज को देखा आपने, उसके प्रति आप क्या करोगे, कार्य करोगे, नियंत्रित करोगे, फिर अपने आप को समायोजित करोगे और स्वाभाविकरण आपके जीवन में आएगा। और अंतिम में जो मुख्य टॉप पर रखता है, हाथ पैर से यदि आपने किसी कार्य को सीख लिया, वो आदत आपकी बन जाती है, हैबिट फॉर्मेशन। तो आपको ये पूरी सारणी आपको अपनी टेबल पे लगानी है, ये आज का आपका होमवर्क है। नेक्स्ट बात करें हम, इनको एक एक को अपन समझ लेते हैं। ज्ञानात्मक पक्ष, यहाँ से आपका एक नंबर निश्चित तौर पर आएगा, आपको थोड़ा सा यहाँ पर आपको समझना है। तो हम बात करें ज्ञानात्मक पक्ष में, ज्ञान यानी कि नॉलेज, ज्ञान से तात्पर्य अधिगम सामग्री में निहित शब्दावली, तथ्य, नियम, सिद्धांतों, मानदंडों, मान्यताओं, परंपराओं, विधियों आदि को मानसिक स्तर पर स्पष्ट रूप से समझने से है। इसमें छात्र सामान्यीकरण कर ज्ञान अर्जन करता है, यानी कि कोई भी चीज, किसी भी चीज की शब्दावली हो गई, शब्दार्थ हो गए, तथ्य, नियम, सिद्धांत, मानदंड, मान्यता, ये सारी चीजें आपकी किस में आ जाएगी, ज्ञान में आ जाएगी। नेक्स्ट बात करें बोध की, बोध क्या है, बोध का मतलब आपको समझ है, मुख्य रूप से इसको समझना है, समझ। ज्ञान प्राप्त करने को याद करना प्रमुख होता है, परंतु जब तक बालक उस ज्ञान का अनुवाद, अंतर्वेशन या बहिर्वेशन न कर सके, तब तक वह ज्ञान अधूरा है। अतः बोध संज्ञानात्मक पक्ष ज्ञान से उच्च स्तर का पक्ष है, जिसमें अनुवाद, अंतर्वेशन यानी बहिर्वेशन सम्मिलित है। यदि आपने केवल, आप किसी चीज को रट रहे हो, जैसे ब्लूम टैक्सोनॉमी को भी मैंने पढ़ाया, यदि आप केवल इसे सुन रहे हो या फिर इसे अपने दिमाग में फिट कर रहे हो, ऐसा नहीं, आपको इसको समझना है। ज्ञान, बोध, ये जो टीचिंग मेथड है, ये आप क्या कर, दूसरे सब्जेक्ट तो क्या करते हो आप, फर्स्ट क्लास से लेकर एलकेजी से लेकर आप ट्वेल्थ तक उस सब सारे सब्जेक्ट के टच में रहते हो, लेकिन टीचिंग मेथड आपके लिए एक अलग ही, और एक बाल विकास, ये दोनों सब्जेक्ट आपके लिए क्या है, नए हैं। तो इनको आपको क्या करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, बार बार इन वीडियो को देखना पड़ेगा, तब जाकर आप इस कॉन्सेप्ट को समझ पाओगे। बाकी क्या है, हिंदी आपने शुरू से पढ़ी हुई है, इंग्लिश आपने पढ़ी हुई है, मैथ्स थोड़ी बहुत आपने पढ़ी ही होगी टेंथ क्लास तक, और ईवीएस तो आपके जीके में शामिल होती है दैनिक जीवन में, लेकिन ये जो सब्जेक्ट हैं आपके लिए महत्वपूर्ण रहते हैं, इनको समझना थोड़ा सा डिफिकल्ट रहता है, लेकिन अगर आप बार बार प्रयास करेंगे तो निश्चित तौर पर आप इसे समझ पाएंगे। और मान के चलिए बाल विकास और टीचिंग मेथड आपके एग्जाम में 50% मार्क्स लाने का कार्य करेंगे, क्योंकि 15 क्वेश्चन हिंदी में सिर्फ टीचिंग मेथड के, 15 यदि आप इंग्लिश या संस्कृत दोनों में से कोई भी लेते हो, 10 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन ईवीएस में, 5 क्वेश्चन गणित में, और 5 क्वेश्चन आपको मिल जाता है इसमें बाल विकास में भी टीचिंग मेथड से आता है। 5 से ज्यादा आएंगे लेकिन कम नहीं आएंगे, यहाँ पर तो फिक्स है। लैंग्वेज में दोनों टीचिंग मेथड बिल्कुल फिक्स है कि आपके 15 क्वेश्चन आने ही हैं। तो आपको इस टीचिंग मेथड को ऐसा नहीं समझना है कि यहाँ पर मैं कर लूंगा, ऐसा नहीं है। यहाँ पर भी आपको कुल मिला के 50 क्वेश्चन मायने रखता है। यदि आप 50 क्वेश्चन ये भी मायने करते हो तो रीट पात्रता के लिए आपको चाहिए 90, और मेंस में भी आपका इसका पूरा रोल रहेगा, ध्यान रखें। तो कुल मिला के यदि आप इन दो सब्जेक्ट को भी अच्छे से कर लेते हो, 50 में से मान के चलिए यदि आपने 40 तक का भी स्कोर कर लिया, तो आपके लिए बहुत ही बेहतरीन होगा। तो इन सब्जेक्ट को आप इसको लाइटली नहीं लें। अगर ये आप ये सोच रहे हो केवल मैं हिंदी, गणित, इनके दम पर पेपर निकालूंगी,
आप पात्रता जरूर निकाल लोगे 90 नंबर, लेकिन मेंस में आपको गवर्नमेंट टीचर बनने से पहले इन सब्जेक्ट को आपको कंठस्थ करना ही पड़ेगा। चलो अब बात करते हैं आगे की। प्रयोग यानी आपने किसी चीज को समझ लिया है तो उसको आप प्रयोग में अप्लाई करोगे। जैसे मैंने अभी आपको ब्लूम के टैक्सोनॉमी का आपको समझाया, क्या करोगे आप यदि आप इसके क्वेश्चंस लगाते हो तो वो क्या हो गया, जब क्वेश्चन करते हो तब आप दिमाग में लगाते हो, मैम ने बोला था सबसे पहले ज्ञान है फिर बोध है, इनको जब समझते हो उस प्रश्न को करते हो यानी कि उसका अपने जीवन में अनुप्रयोग करते हो, वो कहलाता है प्रयोग करना, एप्लीकेट करना, एप्लीकेशन करना। प्रयोग में सीखे गए ज्ञान का नवीन परिस्थितियों में प्रयोग की क्षमता आती है। किसी समस्या के समाधान ये पूर्व अर्जित ज्ञान का प्रयोग में लाना ही क्या है, प्रयोग कहलाता है। यह भी एक मानसिक क्रिया है। दूसरी बात करें विश्लेषण, संज्ञानात्मक पक्ष के इस स्तर पर अधिगम सामग्री की इकाई की सूक्ष्मता से अध्ययन करता है। इसमें विषय सामग्री के अर्थ गहराई से समझने से छोटी छोटी इकाइयों के रूप में लक्षणों की परख की जाती है। जैसे कि मैंने सबसे पहले आपको बताया था संज्ञानात्मक भावात्मक क्रियात्मक ज्ञान, यहाँ पर आपको मैंने क्या किया था मोटे रूप में बताया, उसके बाद मैंने अलग अलग से स्लाइड लगाई जिसमें ज्ञानात्मक पक्ष के अलग अलग भाग बताए, नहीं बताया आपको एक एक, और उसके बाद यहाँ पर अपन विश्लेषण कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, तो यही एक प्रकार का विश्लेषण कहलाता है। यदि आप टीचर बन रहे हो तो आपकी इसकी सारी टर्मिनोलॉजी, सबसे मेन जो पढ़ाने का मेन रीजन है उद्देश्य, वही आपका कॉन्सेप्ट होना क्लियर होना जरूरी है। विश्लेषण हो गया, अब बात करें हम संश्लेषण की। सरल शब्दों में खंडों का समग्र रूप, ये सारी चीजें अपन ने पढ़ ली, वो लास्ट में वापस अपन रिकॉल करते हैं कौन कौन से भाग थे कौन कौन से क्या, ये कहलाता है संश्लेषण करना। ये सारी क्रिया क्या हो रही है आपके मस्तिष्क में ही हो रही है ना, तो क्या है ये कहलाएगी संश्लेषण। और जिस सारी क्रियाओं का संबंध सीधा आपके मस्तिष्क से है वो आपके क्या हो जाएगा, ज्ञानात्मक पक्ष। यहाँ पर आपको इतना दिमाग जोर लगाने की जरूरत नहीं है, कॉन्सेप्ट को समझें। संश्लेषण अपन ने पढ़ लिया, खंडों को वापस क्या करना है संश्लेषित करना है। इनमें तत्व संबंध सिद्धांतों में विभाजित इकाइयों को पूर्ण अधिगम इकाई में समायोजित किया जाता है। इसमें किसी निष्कर्ष पर पहुंचा जाता है, यानी कि आपने कोई निष्कर्ष निकाला अंतिम में संश्लेषण, वो क्या कहलाएगा आपका संश्लेषण। अब बात करें हम अंतिम जो कि सबसे टॉप पर रखा था ज्ञानात्मक पक्ष में 1956 के मॉडल में ब्लूम ने, मूल्यांकन इवोल्यूशन। मूल्यांकन का उद्देश्य किसी मूल्य क्रिया परिणाम विधि सामग्री आदि के संबंध में सही निर्णय लेना। प्रश्न आया था मूल्यांकन है, मापन, आंकलन, निर्णय लेना, उपयुक्त सभी, तो इसमें क्या आंसर हो गया था निर्णय लेना। यानी कि मूल्यांकन क्या है, आप निर्णय लोगे, जैसे मैंने अभी पूरा पढ़ाया, और अंतिम में आप निर्णय लोगे कि हाँ मैम ने जो टैक्सोनॉमी पढ़ाई है वो व्यवस्थित हमें समझ में आई है, तो अंतिम रूप में आपने क्या लिया है निर्णय लिया है। इसको पढ़ते अपन, मूल्यांकन का उद्देश्य किसी मूल्य क्रिया परिणाम विधि सामग्री संबंध में सही निर्णय लेना। मूल्यांकन में आंतरिक बाह्य साक्ष्यों के आधार पर बनाया जाता है, यानी कि आंतरिक और बाह्य दोनों के आधार पर आप क्या करते हो अंतिम में मूल्यांकन करते हो। ज्ञानात्मक प्रश्न से यहाँ से एक नंबर का क्वेश्चन आना निश्चित है, यदि समझ में भी नहीं आया है तो आप रट लो, लेकिन यहाँ पर आपका क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। बात करें हम नेक्स्ट की भावात्मक पक्ष की, यहाँ से क्वेश्चन आने की संभावना कम रहती है, लेकिन हम अपनी तैयारी को पूरी व्यवस्थित करेंगे इसलिए इनको भी मैंने इंक्लूड कर लिया है। इनको अपन थोड़ा सा जल्दी जल्दी देख लेते हैं क्योंकि वीडियो थोड़ी बड़ी बन जाएगी। सबसे पहले भावात्मक पक्ष के आपको ध्यान में रखने हैं पांच कौन कौन से, ग्रहण, अनुक्रिया, मूल स्थापन, संगठन, मूल समूह का विशिष्टीकरण करना। ज्ञानात्मक पक्ष में कितने थे, तो 6 पक्ष थे, यहाँ पर कितने अपने 5, ये भी अपने दिमाग में रखें। डायरेक्टली प्रश्न बना सकता है ब्लूम ने भावात्मक पक्ष को कितने अन्य भागों में बांटा, तो 5 भागों में। सबसे पहले ग्रहण करना, ग्रहण क्या है, भावात्मक पक्ष का ये प्रथम तथा निम्नतम स्तर है। प्रश्न पूछ लेगा भावात्मक पक्ष में सबसे निम्नतर स्तर है ग्रहण, अनुक्रिया, मूल स्थापन, संगठन, वहां पर कंफ्यूज नहीं होना, डायरेक्टली आपको कॉन्सेप्ट होना चाहिए, वो डायग्राम होना चाहिए कि वो पूरी सारणी आपके दिमाग में होनी चाहिए, निम्न स्तर पर कौन सा है, उच्च स्तर पर कौन सा है। तो सबसे पहले ग्रहण है जिसमें व्यक्ति को विज्ञान के संबंध में विविध सूचनाओं का स्रोत प्रति जागरूकता जुड़ी होती है। जब भी विज्ञान के ज्ञान के स्रोत में व्यक्ति का सम्मान होता है, पहचान करना, ग्रहण कर लेता है, इस स्तर पर व्यक्ति संवेदनशीलता को व्यक्त करता है। बात करें अनुक्रिया, रेस्पॉन्सिंग, यह स्तर किसी ज्ञान स्रोत के ओर ध्यान देने, जागरूक होने, कही गई उच्च स्थान रखता है। इसमें व्यक्ति प्रक्रिया उद्दीपक के प्रति अनुक्रिया को स्वीकार करता है, अनुक्रिया इच्छा संतोष को व्यक्त करता है। इस अवस्था में विज्ञान विषय का पढ़ना, विभिन्न पाठ्य सहगामी क्रियाओं में भाग लेने, विज्ञान परियोजनाओं को स्वीकार करना आदि सम्मिलित है। आप यूँ ना समझे कि ये टीचिंग मेथड विज्ञान के लिए, ये सभी क्योंकि उद्देश्य बनाए जाते हैं, सभी सब्जेक्ट में बनाए जाते हैं, तो जो भी टीचर का एग्जाम है वहाँ पर ये एग्जाम में आपके टीचिंग मेथड में काम जरूर आएगा। बात करें मूल स्थापना की, वैल्यू, भावात्मक पक्ष का है तीसरा स्तर है,
जिसके अंतर्गत आदर्श, मूल्यों के प्रति आस्था, दृढ़ता आदि के बारे में बात की जाए। वह नियंत्रण दिशा में प्रयोग में उपलब्ध सूचनाओं को एक दूसरे व्यक्ति के विचारधाराओं की तुलना को प्राथमिकता देता है। अंधविश्वासों का बहिष्कार करना, प्रमाणिक साक्ष्य प्राप्त करने का निर्णय स्थापित करना इससे संबंधित है। बात करें हम चौथा, संगठन। इस स्तर का मूल्य का व्यवस्थीकरण होता है। इसमें संज्ञानात्मक व्यवहार अथवा सूझबूझ के द्वारा विश्लेषण संश्लेषण की क्रिया संपन्न की जाती है। यानी कि बात करें संगठन की, यहाँ पे अपन ने देखा था ज्ञानात्मक पक्ष में कितने थे, 6 थे। भावात्मक पक्ष में यहाँ पर जो संश्लेषण और विश्लेषण है, इन दोनों को क्या मान लिया, एक ही मान लिया, इसलिए इसको संगठन में सम्मिलित कर लिया गया है। यानी कि प्रश्न अगर पूछ ले भावात्मक पक्ष में संश्लेषण और विश्लेषण किसके अंतर्गत है, तो आपको ध्यान में रखना है संगठन के अंतर्गत है। औपचारिक शिक्षा के प्रारंभिक काल में इस क्षमता का विकास नहीं हो पाता। परिपक्वता के साथ संगठन क्षमता विकसित होती है, तभी बालक अपने अनुभव, मूल्यों का संश्लेषण विश्लेषण कर सामान्यीकरण कर पाता है। बात करें भावात्मक पक्ष का, जो हाईएस्ट है, टॉप लेवल का है, उच्चतम स्तर का जो है, वो व्यवहार का विचार, आदर्श, मूल्यों का विश्व परिक्षेप का व्यवस्थीकरण होता है, जिसमें उसका संपूर्ण जीवन दर्शन प्रभावित होता है। भावात्मक पक्ष को कितने भागों में बांटा, 5 भागों में बांटा। ज्ञानात्मक पक्ष को 6 भागों में बांटा। ये पूरी स्लाइड आप यदि इसकी पीडीएफ भी चाहते हैं तो टेलीग्राम ग्रुप में आप ज्वाइन हो जाइए, वहां पर आपको डेली मिल जाएगी। बात करें हम अंतिम जो मनोगत्यात्मक पक्ष है, उसको कितने भागों में बांटा, 6 भागों में। आपको ध्यान में रखना 6 5 6, ये इसका कॉन्सेप्ट ध्यान में रखें। ज्ञानात्मक में कौन सा टॉप पे है, कौन सा कहाँ पर है, आप एक बार डायग्राम जरूर बना लें। नहीं हो तो वीडियो को 2 बार जरूर देख लें, लेकिन इसको समझ जरूर लें। सबसे पहले मनोगत्यात्मक में सबसे पहले टॉप पे रखा है उद्दीपन को, फिर कार्य करना, फिर नियंत्रण, फिर समायोजन को, स्वाभाविकरण, और अंत में क्या रखा है, आदत निर्माण को। यानी कि सबसे टॉप लेवल पे क्या है, आदत निर्माण, और लो लेवल पे क्या है, उद्दीपन। ये सारा मनोगत्यात्मक, यहाँ से प्रश्न बनने की संभावना थोड़ी कम है। अब हम बात करें संशोधित वर्गीकरण, जो कि सबसे पहले बात करें हम 1956 में जो दिया था, हमने पढ़ा था हमने कि जो टैक्सोनॉमी थी उसमें ज्ञानात्मक पक्ष, संज्ञानात्मक पक्ष का जो मुख्य माना जाता है, ब्लूम को माना जाता है, ब्लूम को माना जाता है। उन्होंने सबसे पहले जो 6 टर्म दी थी उनको क्रिया में चेंज कर दिया गया संशोधित वर्ग में, जो ज्ञान की जगह क्या आ गया, याद, ज्ञान, अवबोध, अनुप्रयोग और विश्लेषण। यहाँ पर क्या था, संश्लेषण, और अंतिम में क्या था, मूल्यांकन। तो आप इसको कंपैरिजन करके समझें। सबसे पहले याद करना, याद करना यानी कि कोई भी चीज रिकॉल करनी है, समझना है, मान्यता देनी है, ये सारा किस में आ जाएगा, याद करने में, समझना। दूसरा, इसमें दृष्टांत, वर्गीकरण करना है, किसी का सारांश निकलना है, निष्कर्ष निकालना है, किसी से तुलना करनी है, व्याख्या करनी है। यह कब होगा, जब आप उस चीज को समझ पाओगे। बिना समझे अभी आप जैसे पालतू पशुओं के बारे में, पालतू पशुओं और जंगली पशुओं में आप वर्गीकरण कीजिए, यदि इन दोनों का कॉन्सेप्ट आपने समझे तो ही आप वर्गीकरण कर पाओगे ना। तो यह आप इसमें आ जाएगा, वर्गीकरण करना, आवेदन करना, निष्पादित करना, कार्यान्वयन करना, किसी भी चीज की सूची बनानी हो गई, कोई भी चीज करना हो गया, इसमें आ जाएगा अनुक्रिया यानी कि आवेदन करना, विश्लेषण करना, किसी भी चीज में अंतर या फिर आयोजन करना इससे संबंधित है। और जो टॉप मोड पे बनाया था वो सर्जन को क्या था, यानी कि बनाना, और उससे मूल्यांकन क्या करोगे, आप किसी चीज को चेक करोगे, उसकी समीक्षा करोगे, और अंतिम में जो बताया था उत्पादक योजना, यानी कि अंत में जो हमारे सामने प्रोडक्ट निकल के आएगा सर्जन, क्या सीखा है हमने, वो क्या लाएगा इसका सर्जन। यानी 2002 के मॉडल में क्या चेंजेस है, आप इसको इंग्लिश में भी रखें ध्यान में। और ये है रिमेम्बरिंग, अंडरस्टैंडिंग, अप्लाई, एनालाइज, एवोल्यूशन, क्रैक। यानी ये पूरा आपको क्लियर ध्यान में रखना है। बात करें आज का जो सेशन है वो आपको कैसा लगा जरूर बताएं, आप कमेंट करके जरूर बताएं कि क्वेश्चन, ब्लूम की पाठ योजना निम्नलिखित में से किस पर आधारित थी, उद्देश्य पर, विषय वस्तु पर, प्रस्तुतिकरण पर, या उपयोग सदी पर। तो आप थैंक यू सो मच। और यदि आप लिंक में टेलीग्राम पर आप जुड़ जाइए, व्हाट्सएप पर भी आप जुड़ सकते हैं, जहां पर आपको डेली इसके बारे में आपको जानकारी मिल जाएगी। थैंक यू सो मच। उम्मीद है आपको ब्लूम टैक्सोनॉमी के बारे में अच्छे से जानकारी जरूर मिलेगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।